जी नाजरीन, आज ये लैपटॉप ऑर्डर किया है तो देखते हैं लैपटॉप ये आज ही डिलीवर हुआ है। जी डब्बा ये उल्टा खुल गया है और ये एचपी और एचपी ये नए लोगों के साथ आया है और ये है एचपी और चैट के लिए ये प्लास्टिक कवर ऊपर दिया हुआ है और काफ़ी लाइट वेट है और माइक्रोफोन और सी केबल और ये HDMI है और ये इसके लिए रेगुलर जो USB लिखा हुआ है। दूसरी साइड पे भी सेम है, ये बड़े उसके लिए SD कार्ड के लिए है और ये USB के लिए है और ये पावर प्लग है। काफ़ी लाइट वेट है, जो लाइट वेट होते हैं उसमें जो है ना CD रोम वगैरह नहीं दिए होते उन्होंने ताकि जो है ना ज़्यादा स्लिम हो और जो है ना लाइट वेट हो। तो ये इसकी बैक है और ओपन और ये ओपन करते हैं, ये कीपैड है और चार्जर में उन्होंने क्या दिया है, ये केबल है और ये इसका अडाप्टर और जी नाजरीन ये ऑन का इसका यहाँ पे है, इसको प्रेस किया ऑन किया और इसमें ये फिंगरप्रिंट भी है। मुंह नजदीक करें, इसमें जो है ना इंटेल कोर i7 है और इंटेल ये RIS है कोई ओरिजिनल और इसकी मेमोरी इसमें जो है ना 32 मेमोरी इसकी और जो इसकी रोम है स्पेस जो है ना 1 TB है इसका। तो जब ये ऑन हो रहा है फर्स्ट टाइम इसमें जो है ना देखते हैं क्या करता है, लॉगिन इसको करना पड़ेगा ID वगैरह के साथ या क्या करना पड़ेगा। फिंगरप्रिंट भी है और फिंगरप्रिंट भी जो है ना ये लिया हुआ है आपके, तो ये नॉर्मल है। यस अभी इसको स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट इसमें ये आपको जो है ना सारा सेटअप करके फिर आपको दिखाते हैं। जी नाजिन ये जो है ना अभी स्टार्ट हो रहा है, फ्यू मिनट लेगा। इसमें ID वगैरह इन कर दिए, लोकेशन वगैरह ID वगैरह सब इन कर दिए और ऑलमोस्ट रेडी है। Wi-Fi का पासवर्ड भी डाल दिया है और लैपटॉप लॉगिन। ये इसकी बैक है, इन्होंने लोगो चेंज किया है। सॉफ्टवेयर के अंदर भी जो है ना इनका जो टर्न ऑन हो टर्न ऑफ होता है उस पर भी लोगो इनका चेंज ही है, विंडो 11। जी नाजिन ये विंडो 11 प्रो के साथ है और इसमें थोड़ा सा इसका सेटअप चेंज है विंडो का प्रो का जो है ना। और ये आप देख रहे हैं जो स्टार्ट है इसमें आइकॉन ये उन्होंने विंडो टैब दिया हुआ है और आप इसको क्लिक करते हैं तो आ जाता है स्टार्ट और आप जब स्टार्ट करते हैं तो ये विंडो खुलती है। इसमें सब ये ऐपें हैं, ये सेटिंग है, ये माइक्रोसॉफ्ट वालों का स्टोर है और ये आपके जो है ना फोटोज वगैरह होंगे और बीच में ये एक्सेल वगैरह दिया हुआ है और मे भी ये कहीं में बाय करना पड़ता है कहीं में ये होता है तो ये तो मैं यूज़ नहीं करता हूँ। तो पावर पॉइंट और इसमें ये Xbox भी दिया हुआ है गेम्स के लिए और ये डिज्नी प्लस भी दिया हुआ है मूवीज वगैरह के लिए, ये भी शायद जो है ना बाय करना पड़े, अदरवाइज ये जो है ना फ्री भी होता है 1 मंथ के लिए। और पावर बॉक्स और सेटिंग ऐप में जाते हैं तो नीचे आते हैं बैक पे
यहाँ ऊपर कैमरा भी दिया हुआ है, यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं। और इसमें जो है ना फायर एक्सप्लोरर दिया हुआ है, जैसे आप उसमें माई कंप्यूटर में जाते थे और आपकी वो ड्राइवें अलग अलग आती थी, इसमें यहाँ पे दिया हुआ है सब कुछ। डेस्कटॉप डाउनलोड डॉक्यूमेंट पिक्चर्स म्यूजिक, तो आपका ये सारा उसका सेटअप होगा जो उसमें पहले हुआ करता था माई कंप्यूटर में। और जी ये इसकी वेबसाइट पे जाने का है तरीका, और जैसे कि उसमें होती थी क्रोम वगैरह और गूगल की। और ये इसका टच की पैड है, इसको कैसे यूज़ करना है, दो फिंगरों के साथ इसको अप डाउन करना है, जूम इन जूम आउट ऐसे आपने करना है, जो है ना दोनों फिंगरों को थोड़ा सा स्पेस देना है, जूम इन और जूम आउट होगा इसमें जो है ना। तो ये था टोटल लैपटॉप, तो यूज़ करेंगे स्पीड का इसका, फिर जो है ना देखेंगे। स्पीड तो उसकी काफ़ी अच्छी होगी क्योंकि 32 GB इसकी रैम है, स्पीड तो उसकी काफ़ी ज़्यादा होगी। तो i7 जो है ना इसमें प्रोसेस लगा हुआ है और न्यू विंडो है 11 प्रो के साथ। तो कैसा लगा कमेंट में आप बताएं मुझे ज़रूर।